मैं फैसल ते नदीम गड़ दा ढक्कन चुकिया। मैं थले पानी चैक करन गया, गया ही हाँ तो चार पांच डंडे पौड़ी दे नाल टुट गए। एक सुदम मैं थले चला गया तो दिमाग में एक सुदम गैस चढ़िया। मैं उत्ते चढ़न की कोशिश की, मेरे को उत्ते भी नहीं चढ़िया गया, मैं बेहोश हो गया। उस तो बाद मुंडे ने मैं दसाया कि तेनों बचाने वास्ते मुंडे आए हैं, लेकिन वो खुद मर गए हैं, जिन्हों चो नदीम माइकल तो फैसल दानियल का, इन्होंने दोवें की डैथ हो गई। इस टाइम फिर मेरे दिल में मैं पता है या मेरे खुदा पता मैं कि महसूस होया। उन्होंने इतवार की छुट्टी सी, उन्होंने फोन करके उन्होंने काम से बुलाया। अस तो बेफिक्र होकर सुत्या के काम से गया आ जाएगा। रात 12:30 बजे मैंने फोन आया कि उन्होंने उत्तर गैस पै गई उत्थे अपड़ो। मेरा छोटा जहा बच्चा मेरे नाल, मैं उस वे फड़ के नाल नस गई हाँ। उत्थे मैं जाके वेखिया तो अगे हवा क्या सी। मैं आग के फिर फैसल को फोन किया, मैं क्या फैसल बच्चे इतने आ जा। उन्होंने मामी तू मजाक कर रही है, तू झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं हो। मैं क्या बच्चे इतने आते सही, तेन पता लगे। फैसल ने शोर शराबा पाया, 4 बजे सुबह लाशा कड़िया ने फैसल ने कड़ा दी। कोई उत्तर सुनता ही नहीं सी। बस मेहनत मजदूरी भाई करने वाले बंदे की कर सकने, बच्चों को कमा के तो खवाना ही है ना। फिर उत्तों धमकियां ला के बुला लेंगे, फिर उत्तों गाली गलोच देंगे ने। कितने सैन नहीं है कच्चे मुलाजम का कि उन्होंने गटर में उतारिया जाए। है बच्चे, है बच्चे, मेरी जिद बड़ी करता। जिदों का प्यो चला गया प्यो जिद करता। बड़े तो समझ जाते पर बच्चे नहीं समझते, बच्चों का जहन बच्चों वाला ही होता। मैंने तकरीबन कोई 10 साल या बल्कि इससे ज़्यादा ऐसा गवर्नमेंट की जो जॉब एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको वॉच करने का, उनको स्क्रूटनाइज करने का काम किया है। उसमें मैंने देखा कि सारी जो जॉब्स हैं उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट दी होती है। एक वाहिद जो जॉब है वो सैनिटेशन वर्क है, जिसके साथ मजहब भी अटैच किया होता है, और सबसे ज़्यादा तो ये लिखा होता है कि वो सेहतमंद हो और मसीही हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये तीनों ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए जो क्रिश्चियन बच्चे हैं और स्पेशली वो जो सैनिटेशन काम करने वालों की बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ज़्यादा चैलेंजेस हैं। बहुत मसले हैं घर में, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे खर्चा भी मांगते हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म लाना है, जब एक चला जाए ना तो बहुत मसले होते हैं। मुझे पता है मैंने कैसा कैसे इनको पालना है, मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जेड़ा वक्त साढ़े ते आया ना भाई, मैं कहनी किसी दुश्मन से भी ना। हमारा काम ये झाड़ू गलियों में लगाना, असं दोवें मियाँ बीवी कमाते, ये काम बहुत मुश्किल है। लोग तो कहते हैं ना इस काम में इज्जत है, हम कहते हैं इस काम में इज्जत नहीं है, पर ये हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। उस दिन संडे वाले दिन मेरे पापा से थोड़ा सा झगड़ा किया था। वो मैंने पापा से कहा था, पापा काम छोड़ दे, गंदगी होती है, ये तो मुझे नहीं इतना पता था कि वो गटरों में भी जाते हैं, बहुत गंदा काम है। मैं तो कहती हूँ किसी भी बेटी के लिए बहुत बुरा होगा कि उसका बाप ये काम करता है। हम दोनों बहुत बच्चों पे मेहनत करते थे। ये मेरा बच्चा 7वीं में पढ़ता था, ये जो मुझे देख के इसने स्कूल छोड़ दिया, कहता मैं काम करूंगा तुम घर रहो। लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मैं और मेरा मियाँ झाड़ू फेरते हैं, ये झाड़ू ना फेरे, ये कोई अच्छी नौकरी लगे। सुबह 3 बजे उठता हूँ मैं और अम्मी के साथ जाके उधर काम करता हूँ, काम करके फारिग होके फिर घर आते हैं। अम्मी ने तो मुझे बहुत तफ़ा कहा स्कूल चले जाए, मैं कहा मैंने नहीं जाना,
कि अब छोटे छोटे मेरे बहन भाई हैं, जिम्मेदारियाँ ऊपर पड़ गई हैं। मैं स्कूल चलेगा फिर इन्होंने भूखे बैठ जाना। चाचों ने तो मुझे कह दिया साढ़े हाथ खले ने, उन्होंने करना तो कमा के खवाना। अबू अच्छा मुस्कबिल सोच को थे, अबू कहते थे जैसे हम रोल रहे हैं वैसे हमारी लाद ना। पापा तो मुझे हाथ भी जीत लगाए गटर के और जो ये काम करने जाते उल्टा मुझे डांटते थे तुमने नहीं करता मैं काम। इसकी क्या वजह, लोग गलियों में जब झाड़ू लगाते हैं किसी के ऊपर मिट्टी पड़ जाती है फिर वो बेइज्जती करते हैं, बातें करते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को बातें ना करें। अबू ने कहा था पुलिस में लगेगा, अबू आप चले गए। सोचता हूँ ये यकदम की हो गया साढ़े का। ये जो सैनिटेशन वर्कर्स की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और फिर परपेचुअली लगातार इसका जारी रहना, इसमें माशरे का एक अपना बहुत बड़ा रोल है। माशरा पाकिस्तानी मसीही बच्चे को बहुत छोटी उम्र से ये बावर करवाने लग पड़ता है कि तुमने एक ही काम करना है और वो सफाई का काम है। चूँकि माँ बाप पहले ये काम कर रहे होते हैं, माशरा ये समझता भी यही है कि जिसके बाप ने ये काम किया है, माँ ने ये काम किया, उनके बच्चे भी यही काम करेंगे। पढ़ाई का बहुत शौक था, मैं जाती भी थी, वन क्लास में थी और टू के पेपर देके मैंने छोड़ दिया था। जब मैंने छोड़ा था 11 साल की थी, हमने एडमिशन लेने गई थी तो उन्होंने मेरे एडमिशन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था अब आपकी बेटी बड़ी होगी तो उनसे झाड़ू लगवाएं, इसलिए फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इन्हें पढ़ाना लिखाना इनका साथ देना अपनी मेरी जिम्मेदारी है। जिसकी गलती है ना उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वो मेरे पापा का कातिल है। नौकरी दे देंगे, हकूक दे देंगे हमारे, हमें भी और उन को भी। उन जो भाई फैसल मरे ना, कभी छोटे छोटे बच्चे उनके तो हमारे से भी छोटे हैं। सीओ जेड़ा ना सीओ वो मेरा मुजरिम है, मैंने केस कराया, मैं कत्ल का केस करवाया, कहना मेरे मियां ने कत्ल किया तो सीओ ने सख्त तो सख्त सजा दी जाए। जिनकी डेथ हुई है वो मेरे मामू हैं, सके मामू हैं, और हमारा रिश्ता मामू का और मेरा ऐसा था जैसे बाप बेटे का। तो मैं पूरे जोश के साथ, बड़े होश के साथ, बड़ी तैयारी के साथ मैं इस घर के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने इनको इंसाफ दिलवाना है। एक महीना होने को है लेकिन अभी तक कोई सदे बाप नज़र नहीं आ रहा इस चीज़ का। ठीक है, हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है और हमें वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, और कंप्रोमाइज़ भी वो कह रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर है। जो मुलाजिम आपको कदर नहीं हो रही, वो हर रोज पैसे कमा के लाता था और अपने 6 बच्चों को खाना खिलाता था, अब वो खाना खिलाने वाला नहीं रहा, आपकी खिदमत करते हुए मर गया। ये दफ्तरों में बैठने वाले लोग जो है मिनरल वाटर वगैरह पीते हैं, तो ये जिनसे काम करवाते हैं उनकी इज्जत ही नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं उनकी कोई, उनको फिर इंसान नहीं समझा जाता। 6 घंटे एक इंसान जो है पानी, गंदे पानी के अंदर पड़ा रहा है, क्या ये इंसानियत इनके अंदर? अगर इनके अंदर इंसानियत है, एहसास है, तो उनका हक मौके से पहले आकर दिया, उन्हें अपना वक्त भी बचाए और इनका जो मकरूज हो रहे हैं इनको भी बचा ले।
हजे भी असीं लड़ांगे। असीं के सिर्फ अपने वास्ते नहीं लड़ना, असीं अपने बच्चों वास्ते होरां दे बच्चों वास्ते भी लड़ना कि अगों किसे नाल हादसा ना होवे। मैं बस यह चाहनी हाँ कि मेरे बच्चों ना उन्हों का मुस्तकबिल लग जाए, उन्हों की अच्छी परवरिश हो, अच्छे स्कूलों से जान, अच्छा पढ़न, अपने बाप का नाम रोशन करन। मेरी दिली ख्वाहिश है।